जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी आप बीती बताने पहुंची टेढ़ी नीम निवासी महिला रुबीना अंसारी ने बताया कि 30 मई को लगभग रात 8 बजे मैं अपने घर पर अकेली थी, तभी मेरे घर पर हसीब उर्फ हल्का डेफिनेट छोटा नसीम और उसके 8 से 10 साथी लोग आकर मेरे पति के बारे में पूछा। जब मैंने कहा वो घर पर नहीं है तो उन्होंने गाली गलौज किया और मारपीट की, घर के अंदर रखे सामान और बाइक में भी तोड़फोड़ की, साथ ही साथ मुझे और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद मैंने इसकी शिकायत हनुमान ताल थाने में किया। शिकायत करने के बाद भी वह और उसके साथी रोज रात को मेरे घर के सामने आकर गाली गलौच एवं धमकी देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम पुलिस में कितनी भी रिपोर्ट लिखवा लो, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार बहुत दहशत में है। महिला ने कहा कि अगर कल कुछ भी हमारे साथ होता है तो इसकी पूरी जवाबदारी हसीब उर्फ हल्का डेफिनेट और छोटा नसीम और उसके साथियों की होगी। विराट 24 के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। सर एक हसीब गुंडा करके है, हसीब हकला ये हमारे घर के अंदर घुस गया, मारा पीट। ये 30 तारीख को रात में वही 8:15 बजे मैं कपड़े चेंज कर रही थी, दरवाजे खटखटाया, हमने बोले कौन है, बोलते मैं हसीब। उसके बाद इसने मेरे को धक्का दिया, साथ में माउजर भी लिया रहा, उसके बाद मेरे घर के अंदर घुसा, तोड़ फोड़ करा। इसके साथ 8 से 10 लड़के थे, इसमें एक लड़का डेफिनेट भी है, छोटा नसीम है, और भी अन्य लड़कों का सर मेरे को नाम नहीं पता। उसके अलावा इन्होंने मेरे घर की तोड़ फोड़ करा, मेरी गाड़ी तोड़ दिया, उसके बाद मेरे कारखाने से बत्ते निकाला, सब तोड़ दिया, मेरा बेटा भी था उस समय। उसके बाद फिर जी सर मैं शिकायत करने फिर हनुमान ताल गई, वहाँ शिकायत करके आई, फिर घर के बाहर गुंडे खड़े थे, फिर पुलिस आई, फिर वो लोग भाग गए। उसके बाद भी सर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।